तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में। तो क्या गाइस, अभी एलविस यादव बिग बॉस 18 के कोस्टिंग में दिखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को गाइस पता होगा कि अभी दो दिन से एलविस यादव अपने ब्लॉग वाले चैनल पर कोई भी ब्लॉग वीडियो भी अपलोड नहीं किए हैं। और अभी तो गाइस ये अपने इंस्टाग्राम में भी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। लाइक अभी एलविस यादव का बिग बॉस से रिलेटेड एक वीडियो भी इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर में काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप लोगों को भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या एलविस यादव बिग बॉस के कोस्टिंग में दिखने वाले। आप लोग इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखिए, देखेंगे घर वालों का फ्यूचर। अब होगा टाइम का दंडफ। ये जो प्रोमो आया, इससे ऐसा लगता है कि शायद पास्ट प्रेजेंट की कोई थीम होने वाली है। तो हो सकता है पुराने वालों को बुला ले, मजा आएगा। मैं तो कुछ पुराने वाले हैं जिनको देखना चाहता हूँ बिग बॉस में। बाकी आप किसको देखना चाहते हो? तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बिग बॉस 18 के कोस्टिंग में सभी विनर कंटेस्टेंट को बुलाया जाएगा या फिर सिर्फ एलविस यादव को बुलाया जाएगा? आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस हम बात करते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो क्या गाइस अभी कीर्ति मेहरा के ऊपर भी पुलिस केस होने वाला है? लाइक किसी ने उनसे कमेंट करके बोले कि दी प्लेलिस्ट दे दो, नहीं तो मोस्ट वांटेड, मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया हूं। वेल इस पर गाइस कीर्ति मेहरा रिप्लाई करते हुए स्टोरी को शेयर किए, क्या बोले आप लोग इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखिए। मांगते रहते हैं बहुत लोग, चाहे मेरा इंस्टा हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे कहीं पे भी, सब जगह कमेंट करते रहते हो आप लोग प्लेलिस्ट के। मैं उसकी चीज की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर ट्रस्ट मी, मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई। मेरे दिमाग में फिट हैं सारे गाने, फिट एकदम से आते हैं, चला देते।